फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति, और बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी करते हुए मुख्यालय के एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया है कि सरस्वती पूजा के मद्देनजर रखते हुए पूरे बिहार में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं सरस्वती पूजा के जुलूस में डीजे और अश्लील गानों को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त है। कुंदन कृष्णन ने बताया कि जो भी व्यक्ति कानून का पालन करते नहीं पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोपहर 3 बजे राज्य सरकार के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अमीर सुहानी महोदय तथा अन्य पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारीगण, सभी डीएमएसपी और सभी फील्ड फॉर्मेशन के पदाधिकारियों से सरस्वती पूजा के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा किए थे, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि डीजे नहीं चलेगी, डीजे पर रोक लगाई जाएगी और भसान की तिथि 11 तारीख को होगी। फोर्स की डिप्लॉयमेंट जो आवश्यक है, परीक्षा किया गया सभी जिला के पदाधिकारियों से कि किनको कितनी फोर्स है, जो उपलब्ध है उसमें से जो बेहतर प्रतिनिधि हो सकती है वो की जा रही है। गौरतलब अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा भी चल रही है, इसलिए काफ़ी फोर्स उधर भी लगी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मकसद ये था कि इस बार की जो सरस्वती पूजा है बिना कोई घटना के घटे और कोई भी सांप्रदायिक मामला नहीं उठ। उधर जोनल आईजी के निर्देश पर राजधानी में 5 दिवसीय चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान में पटना के ट्रैफिक एसपी खुद सड़क पर उतरकर अभियान में चेकिंग करते नजर आए। वहीं ट्रैफिक एसपी प्रकाश नाथ मिश्र ने बताया कि यह अभियान 5 दिनों तक चलने वाला है। इस अभियान में हेलमेट, काले शीशे और सीट बेल्ट की निरंतर जाँच की जा रही है। जो व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन्हें फाइन देनी होगी। ये अभियान हमने चलाया है आईजी साहब के निर्देश पर। अभी 5 दिनों का ये अभियान है, ये विशेष अभियान है जो सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चलाया जा रहा है। हम मुख्य रूप से वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग, दुपहिया वाहनों के आगे पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट का प्रयोग और काला शीशा, इस पर अभियान चलाए हैं और इसके लिए हम लोग फाइन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई कहीं से नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अभी पिछले करीब एक महीने से मुझे कहीं से भी जाम लग जाने की, ट्रैफिक में प्रेशर है, सड़कों में काम हो रहा है, उस वजह से कई जगहों पर प्रेशर है, जहाँ पुल बन रहे हैं या गैस लाइन बिछाए जा रहे हैं तो एक बॉटलनेक होता है, उस वजह से गाड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रेशर बनता है और वो गाड़ियाँ निकल रही हैं। लेकिन गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो जाएं ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी इसे और बेहतर करने की आवश्यकता है और ये लगातार बेहतरी की ओर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काम करें। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हेलमेट का प्रयोग करें, सुरक्षात्मक साथ सीट बेल्ट का प्रयोग करें, अन्य जो भी उपाय बताए गए हैं, ट्रैफिक के जो नियम बताए गए हैं उसका अनुपालन करें और किसी भी तरह से किसी प्रकार की समस्या से अपने जीवन को बचाएं। हमारा मकसद फाइन लेना नहीं है, कहीं से भी मेरा मकसद फाइन वसूलना नहीं है, हम रेवेन्यू कलेक्टर नहीं हैं। हमारा मकसद है कि आप सुरक्षित चलें, घर से अगर निकले हैं तो आप सुरक्षित घर पहुंचें। काला शीशा आज अपराधियों के भागने का साधन बन गया है, तो गाड़ियों पर से हम लोग काला शीशा हटाते हैं और ये सब काम। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड मामले की केस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुजफ्फरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट से दिल्ली की साकेत स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। साथ ही 6 महीने के अंदर इस केस को निष्पादित करने का भी आदेश दिया गया है।
लखीसराय जिले के नया बाजार स्थित धर्मशाला के प्रांगण में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र बिंद ने की। बैठक में आगामी 18 फरवरी को होने वाले मजदूर किसानों के विधानसभा मार्च की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। वहीं संजय अनुरागी ने सूखे से तबाह संपूर्ण बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने सहित 20 सूत्री मांगों को लेकर 18 फरवरी को गांधी मैदान से मजदूर किसानों का विधानसभा मार्च किया जाएगा। इस मार्च में किसानों के 20 सूत्रीय मांग को लेकर पहली मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन का जो रिपोर्ट है उसे हूबहू लागू किया जाए। इस प्रकार के 20 सूत्रीय मांग को लेकर विधानसभा मार्च किया जाएगा, जो पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। जो MSP था, डेढ़ गुना लागत, उसका जो लागत मूल्य था उससे डेढ़ गुना मुआवजा दिया जाए, इस सवाल को लेकर हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे और इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर बैठक का आयोजन। मोतिहारी के पताही प्रखंड के BRC प्रांगण में प्रथम काउंसिल फॉर वेलनरेबल चिल्ड्रेन के द्वारा 40 टोला सेवकों को बाल अधिकार संरक्षण का प्रशिक्षण प्रथम काउंसिल के मैनेजर तुषार कुमार ने दी। ये अपने अलग अलग गांव से बहुत सारे बच्चों का पलायन दिल्ली, बम्बई, राजस्थान इस जगह पे होता है और उन्हें बहुत सारी चीज़ों का प्रताड़ना करनी पड़ती है। हम संस्था मिलकर और यहाँ लोकल टीम मिलकर कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को किसी न किसी तरीके से अपने गांव में वापस लाया जाए। उधर नालंदा जिले में अवैध संबंध का विरोध करने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को गांव के कुएं में फेंक दिया। घटना हरनौत थाना इलाके के सबनहुआ डीह गांव की है। वही खबर मिलने पर मायके वालों ने सोनी की गायब होने की सूचना थाने को दी। मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने उसकी सास को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूलते हुए कुएं में शव को फेंके जाने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने कुएं से उसके शव को बरामद किया। हॉस्पिटल में पता चला एगो औरत कही कि कुआं में लहा से तो हम लोग भी देखे गए, तब वही सोचना थाना में दिए तो थानेदार आए थाना से तो लहास को निकाल करके पोस्टमास्टर में आए पुलिस वाला। फिर तो फिर लाश उसी के साइड में लाश उसी के घर के बगल में लाश हमको कुआं से मिला। ममता बनर्जी और CBI के बीच चल रहे विवाद पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा उठाए गए कदम को लोकतंत्र के हित में न बताते हुए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। आज पूरे देश के लोग चिंतित हैं जो अमन में, शांति में और कानून में विश्वास करते हैं। वे इसलिए अधिक चिंतित है कि देश में आखिर आज हो क्या रहा है। ममता बनर्जी ने जी कदम उठाया वो कदम लोकतंत्र के हित में नहीं है। मैं समझता हूं कि आज पूरा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। हम लोग तो पूरा देश के लोग आज चिंतित हैं कि आखिर देश के अंदर हो क्या रहा है। आपात स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि इस पर नियंत्रण भारत सरकार को करना चाहिए और जो कानून का उल्लंघन करे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। सहरसा जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंटर के परीक्षा में सहरसा के इवनिंग कॉलेज में दो मुन्ना भाई को दूसरे के बदले परीक्षा देते जिला प्रशासन ने हिरासत में लिया है। इन दोनों को इस परीक्षा के एवज में एडवांस के तौर पर 2,000 रुपए दिए गए थे। वहीं दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले आई और पूछताछ कर रही है। किसके बदले? छत के द्वारा जो रूम में जो जांच की जा रही थी एडमिट कार्ड के था तो उसी समय जो है ना उसका फ़ोटो डिफरेंट था और वो उसे पूछने पर वो क्लियर जवाब नहीं दे पाया तो डिटेल निकाल लेते हैं उसका। तो उसी में जब गहनता से जांच की गई तो पता चला ये दूसरे के बदले में परीक्षा। नालंदा में किशोरी के साथ बदमाशों द्वारा छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और 4 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पीड़िता द्वारा थाने में पहचान किए जाने के बाद पुलिस ने 4 को जेल भेज दिया है। करीब शाम को 8 बजे हमको सूचना मिला कि एक वायरल वीडियो वायरल हो रहा है लड़की के छेड़खानी वाला मामला। तुरंत ही हम संज्ञान में लेके थानाध्यक्ष को जो है सत्यापन हेतु भेजा गया और उसमें जो है
वीडियो के हिसाब से चार लड़कों को आइडेंटिफाई किया गया और चारों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार विधानमंडल के नवनिर्मित सेंट्रल हॉल का सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को उद्घाटन किया था। सेंट्रल हॉल के उद्घाटन के बाद ये काफी चर्चा में भी है और इसी पर कांग्रेस नेता प्रेम चंद्र मिश्रा ने एक ओर जहां नवनिर्मित सेंट्रल हॉल के उद्घाटन से खुशी जताई है तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल हॉल की दीवारों में दरार पड़ने का गंभीर और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। बता दें कि नवनिर्मित सेंट्रल हॉल में आए दरार को लेकर प्रेम चंद्र मिश्रा ने जांच किए जाने की मांग की है। सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया गया है, क्या इसमें कहना? ये बढ़िया है, सेंट्रल हॉल बनना चाहिए था बिहार में और मैं समझता हूँ कि विधानसभा स्तर पे अगर कहीं भी विधानमंडल में सेंट्रल हॉल बना है तो ये अच्छा कदम है। लेकिन इसको लेकर तरह तरह की बातें सुनने को आई हैं, इसमें अभी भी डैम्प आ गया है, क्रैक है कई जगहों पर, तो मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर इस बात की समिति बने और जाँच हो। जब इतना बहुप्रचारित 3 साल से इंतजार में थे तो सेंट्रल हॉल बना तो इसमें त्रुटियां और खामियां कैसे रह गई? 98 साल पहले वाला जो बना भवन वो आज भी ठीक है, जो पुराना विधानमंडल का भवन बना है उसमें कोई क्रैक नहीं आया, लेकिन नए वाले में उद्घाटन से पहले क्रैक आ गया, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। तो ओके सर, यहाँ पे सेंट्रल हॉल है और प्लस यहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं अभी और लगता है? सुविधा तो बात की चीज तो मुख्यमंत्री ने कह ही दिया, आइए बैठिए, चाय पानी पीजिए, डोसा खाइए, इडली खाइए, बात करिए, अपनी अपनी पार्टी की बुराई कीजिए, तो मुख्यमंत्री ने यही संदेश दिया है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि आप टकराव नहीं होना चाहिए, संविधान की रक्षा होना चाहिए और खुद भाजपा के साथ हैं, तो विरोधाभासी बातें मुख्यमंत्री ने। दिल्ली के तर्ज पे यहाँ बिहार में फिर एक राजधानी में पटना सेंट्रल हॉल का निर्माण किया गया है। ये सेंट्रल हॉल जो है करोड़ों की लागत से बनाई गई है, इसमें सांसद, उप सांसद और विधायक यहाँ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और यही अभी यहाँ सीधा सवाल खड़ा होता है कि ये भवन निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर से अगर देखा जाए तो ये दरारें साफ तौर से नज़र आ रही हैं। ये नवनियुक्त सेंट्रल हॉल बनाया गया है और यहाँ साफ दिखाई दे रही है, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, कि ये दीवार पे जो दरार साफ साफ नज़र आ रही हैं उस पर एक बड़ा सा सवाल उठता है कि ये नवनियुक्त भवन में अगर इस प्रकार की दरारें आती हैं तो आगे भविष्य में इस प्रकार की सेंट्रल हॉल की क्या स्थिति होगी। कैमरामैन राजकुमार के साथ रंजीत विशाल, बिहार न्यूज़, पटना। गुरुवार को भारतीय मित्र पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यालय में स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि जिस तेजी से भारतीय मित्र पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है वह दिन दूर नहीं है जब भारतीय मित्र पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा, क्योंकि जितने राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं वह जातिवाद की राजनीति से बंधे हुए हैं और जातिवाद से देश का विकास कभी नहीं होगा। भारतीय मित्र पार्टी ना तो हिंदू की बात करती है और ना ही मुसलमान की, भारतीय मित्र पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने जीत को सुनिश्चित करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर अपनी पार्टी की उम्मीदवार को खड़े करेंगे। देखिए, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं जाति धर्म से प्रेरित पार्टियां हैं और उन्हीं पे उनकी विचारधारा टिकी हुई है। भारतीय मित्र पार्टी किसी भी जाति धर्म की पार्टी नहीं है। हम लोग सभी धर्म के लोगों को लेके साथ में चलेंगे और देश का विकास करेंगे। भारतीय मित्र पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग बिहार जो खास तौर से है
वो सबसे पिछड़े हुए इलाकों में आ रहा है, क्योंकि जितने भी पार्टियां आती हैं वो मौका तो मांगती है कि हमें 5 साल दो, मैं बहुत चीज़ बदल दूंगा। मैं कहता हूं भारतीय मित्र पार्टी को सिर्फ एक टाइम सिर्फ चाहिए, एक बारी मौका चाहिए। दोबारा यदि हम उनके विश्वासों पर खड़े नहीं उतरें तो हम वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जो 4-5 पार्टियों का कॉल नहीं आता होगा, उनके आदमियों का कॉल नहीं आता होगा कि आप हमसे गठबंधन करिए, हमसे गठबंधन करिए। लेकिन मैंने कहा अभी आपको जैसा कि भारतीय मित्र पार्टी सीटों का गठबंधन करने के लिए पार्टी नहीं बनाया है, भारतीय मित्र पार्टी अपने बाल बच्चों का भविष्य सेट करने के लिए पार्टी नहीं बनाया है, भारतीय मित्र पार्टी, इसकी नाम में मित्रता है और सभी को हमको साथ में लेके चलना है और सिर्फ हमको विकास की बात करनी है। और कोई भी पार्टी जो है ये विकास की बात करते हैं लेकिन विकास करते नहीं हैं, इसीलिए भारतीय मित्र पार्टी की विचारधारा मेल नहीं खाती है। जितनी राजनीतिक दल है, मैं बार बार ही कहता हूँ कि सिर्फ वो जाति की राजनीति करती हैं, कोई यादव की, कोई कुशवाहा की, कोई मुसलमान की, कोई हिंदू की, तो क्या इससे देश हमारा कभी, भारत देश जो सपना हम लोग देखते हैं कि सोने की चिड़िया दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाने की, पूरा देश भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा हुआ है और हम सपना देखते हैं कि भारत को हम सोने की चिड़िया फिर बनाएंगे और नंबर 1 देश बनाएंगे। मुद्दा हमारा सिर्फ एक है, बार बार ही कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ विकास। और रैलियाँ अभी भारतीय मित्र पार्टी की 5 रैलियाँ अभी सिर्फ मधुबनी जिले के अंदर ही होगी, और जिलों में भी रैलियाँ यदि आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर हमारा संगठन अभी बहुत मजबूत हो गया है और हम वहाँ पे निश्चित जीतेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वहाँ की जनता हमारे साथ है। इस रैली की भीड़ से स्पष्ट पता चलता है और जनता का वहाँ मूड बदल चुका है। नगर पंचायत दलसिंह सराय अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत शहरी समृद्धि उत्सव मनाने के लिए नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को शहरी मंत्रालय के निर्देश पर आजीविका मिशन एवं समृद्धि उत्सव के आयोजन के संबंध में जानकारी दी गई। योजना के अंतर्गत आज दलसिंह सराय नगर पंचायत में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें वैसे छूटे हुए परिवारों को जागरूक करना है जिनके पास शौचालय का लाभ नहीं है, आवास का लाभ नहीं है। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर है, जहां हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर जमकर हंगामा किया गया है। घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के 90 फीट रोड की है, जहां छपरा के मसरक के लाल बाबू की मौत इलाज के दौरान हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्वास्तिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही से ये मौत हुई है। परिजनों ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर यहाँ शराब पी कर इलाज करने आते हैं। परिजनों ने हंगामा करने के साथ ही जमकर तोड़फोड़ भी की है। हालात पर नियंत्रण के लिए जब मौके पर पुलिस पहुंची तब हॉस्पिटल में ढेर सारी शराब की खाली बोतलें देखकर दंग रह गए। फिलहाल हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी और डॉक्टर फरार हैं और पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। आपको बता दें कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्की फुल्की लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। वहीं मौके पर मौजूद SP सुशांत सरोज ने कहा कि अचानक एक मरीज की मौत होने के बाद हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद परिजनों के द्वारा सड़क को पूरी तरह से जाम कर हंगामा किया गया तथा हॉस्पिटल में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। भाई जी हम लोग खोजने लगे तब ना, ये हॉस्पिटल है हो, यही तो ये पानी चढ़ता है मरीज का। सर जरा सा एक मिनट सर, डेट नरकटियागंज DSP कार्यालय में सभी थाना के प्रभारी के मौजूदगी में SP जयंतकांत ने सरस्वती पूजा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहुंचे। SP ने अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी को सरस्वती पूजा के अवसर पर अलर्ट रहने को कहा और संदिग्ध व्यक्ति पर ध्यान देने का निर्देश भी दिया है। सरस्वती पूजा 10 तारीख को है, इसी में SP साहब आए हुए हैं और इस संबंध में विवरणात्मक कार्रवाई जो व्यवहार से पहले होता है उसमें निर्देश दिया गया है।
और कहाँ कहाँ पूजा वगैरह होगा, पंडाल बैठेगा, उसको सब लिया जाना है, उसको कितने फोर्स डिप्यूटेशन होगा उसका सब माना जाना है। लखीसराय जिले के टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहीद द्वार गेट के नजदीक क्यूल नदी में रेलवे पुल के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। वही जानकारी मिलते ही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन कर रही है। और उम्र लगभग 17-18 साल है, अभी तक तो उसकी पहचान नहीं हो पाई है। अभी फिलहाल हम लोग सबको पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल ले जा रहे हैं और उसे अभी सुरक्षित 72 घंटा रखेंगे और वैधानिक कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में निजी अस्पताल की मनमानी के खिलाफ जनता की आवाज के बैनर तले जनता का आक्रोश मार्च निकाला गया। निजी अस्पताल की मनमानी सहित डॉक्टरों की जगह कंपाउंडर से इलाज करवाए जाने और मनमाना फीस वसूली के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाल ऐसे अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग की गई। आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार दुबे को अमेरिका के वॉल्सब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से नवाजा गया। आपको बता दें कि यह उपाधि उन्हें नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में संदीप मारवाह के हाथों से उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर इंडियन रिसर्च काउंसिल के द्वारा भारत गौरव अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर सुनील कुमार दुबे आयुर्वेद के क्षेत्र में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के एकमात्र डॉक्टर है जिन्हें इन दोनों सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह भारत ही नहीं पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। वहीं पटना स्थित अपने क्लिनिक पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर सुनील कुमार दुबे ने कहा कि यह उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज इन दो सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है। कहीं उलझन कहीं बंधन, यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे। To honor Bharat Gaurav Award to Usha Dubey along with him and Dr. Jayanta Rai Chaudhary on the stage. We have started the award. So the first award of the categories, Honor Bharat Gaurav Award and Dr. Jayanta Rai Chaudhary Dubey and Mrs. Usha Dubey. Second in this category, I request Dr. Sunil Kumar Dubey and Mrs. Usha Dubey to receive the Honor of Bharat Gaurav Award. उपाधि पर मुझे काउंसिल द्वारा मुझे भारत गौरव अवार्ड तो पकड़ लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दो दो सम्मान जो मुझे मिला है, ये PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, वो भी अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा, और ये इंडियन रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड से मुझे नवाजा गया। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये दोनों सम्मान और अवार्ड, ये बिहार के मैं पहले डॉक्टर हूँ जो इसे सम्मानित किया गया। गुरुवार को महागठबंधन ने बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा के पहले चरण में नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे। इस मौके पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, राजद नेता रामचंद्र पूर्वे, अब्दुल बारी सिद्दकी और अन्य गणमान्य नेता मौजूद रहे। मंच को साझा और जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहीं मुकेश सहनी ने दरभंगा से चुनाव लड़ने की बात कही और जीत करने का दावा भी किया। मुकेश सहनी ने बताया कि जनता अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है, जनता अब विकास चाहती है और विकास के साथ विकासशील इंसान पार्टी को भारी बहुमत मिलने के आसार हैं। नीतीश कुमार जी ने
रोजगार से 40,000 निजी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट पे ये सारा कर दिया, लेकिन बहाली किसी के लिए नहीं निकालने का काम किया। बता निकाला तो निकाला, कुछ भी नहीं। उसलिए आप लोग ये बात समझिए, हम ये आप लोगों को बताने आए हैं कि आप लोगों को रोजगार तभी मिलेगा जब आरक्षण बढ़ेगा पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का। कि हर साल जब 2 करोड़ लोग पकौड़ा बनाएगा तो पकौड़ा कौन खाएगा? पकौड़ा कौन खाएगा? 5 साल में 10 करोड़ लोग पकौड़ा बनाएंगे, यानी हर घर में पकौड़ा वाला, तो उसका दुकान चलेगा। दरभंगा जिला से कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया, बेरोजगारी हटाओ और आरक्षण बढ़ाओ। निश्चित तौर पे ये जो अभी एनडीए की सरकार है उसकी बस की बात नहीं है कि वह बेरोजगारी हटा सकता है। आने वाले समय में हम लोग महागठबंधन के सहयोगी, हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और आने वाले समय में यूपीए का सरकार बनाएंगे, तब जाके बेरोजगारी हटेगा। बिहार का मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे, तब बिहार का भला होगा। इसलिए साथियों, आने वाले समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, 7 तारीख को पटना में ये कार्यक्रम को आगाज किया गया और बिहार के मुख्यमंत्री को पेट में इतना दर्द है क्योंकि हमने उसको पूछा नहीं खाने के लिए, और उन्होंने तुरंत ही पूरे बिहार में मछली पे पाबंदी लगा दिया। जब हम लोगों ने पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया, अनशन पे बैठा और फिर बिहार सरकार को झुकना पड़ा और बिहार में जो आंध्र प्रदेश से मछली आ रहा था उसको फिर से चालू करना पड़ा और सरकार को झुकना पड़ा। तो इसलिए साथियों, ये पार्टी जो नीतीश जी की है वो समाज को तोड़ने के लिए लगा हुआ है और देश का प्रधानमंत्री 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आ रहे हैं। वो डॉक्टर साहब है और नीतीश जी का डीएनए रिपोर्ट लेके आ रहे हैं कि नीतीश जी के डीएनए में क्या क्या गड़बड़ी है, वो आप 3 तारीख को टीवी पे से सुनिएगा कि नीतीश जी के डीएनए में क्या क्या गड़बड़ी है, देश के प्रधानमंत्री आपको बताने वाला पार्टी हो। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीट को जीते और यूपीए का सरकार बनाए दिल्ली में, और तब जाके युवा को रोजगार मिलेगा। साथियों, इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।